हर खबर को सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल पार्लियामेंट्री बिजनेस को सब्सक्राइब करें, सभी वीडियोस को लाइक और शेयर करें और सभी ताज़ा अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें। देश कोरोना महामारी से लड़ने के लिए तैयारी कर रहा था, प्रधानमंत्री जी कदम उठा रहे थे, लेकिन ये उस समय भी राजनीति कर रहे थे, विपक्ष का काम कर रहे थे, लोकतंत्र की गलत कृत्य का काम कर रहे थे। हम हर दिन आपको मॉनसून सत्र से जुड़ा रोचक तथ्य दिखाते हैं और बताते हैं कि क्या कुछ मॉनसून सत्र में खास हुआ था। आज बारी है संसद के सुपर एक्टिव मंत्रियों के बारे में जानने की, उन मंत्रियों के बारे में जानने की जिन्होंने सदन के चर्चा में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और कई बिलों मुद्दों को लेकर सदन के पटल पर अपनी बात रखी और विपक्ष को करारा जवाब दिया। सुपर एक्टिव मंत्रियों के फहरिस्त में 6 मंत्रियों ने जगह बनाया है। इन सब में कांटे की टक्कर रही। सुपर एक्टिव मंत्रियों में 6वां नंबर मिला अनुराग ठाकुर को। अनुराग ठाकुर वैसे तो चर्चा का केंद्र रहे और नेहरू परिवार का छींटाकशी की वजह से गर्मा गर्म डिबेट का हिस्सा भी बने। आपने केवल एक परिवार गांधी परिवार के लिए वो ट्रस्ट बनाए थे। नेहरू गांधी परिवार का पूरे का नाम लेना चाहिए, नेहरू गांधी। बयान पर सदन स्थगित भी हुआ, हो हल्ला भी खूब हुआ। अधीर रंजन चौधरी ने हिमाचल का छोकरा और गधा भी कह दिया। सर बीच में कहां के वो हिमाचल के छोकरा कहां से आ गए, गधा कहां से आ गए बीच में। अनुराग ठाकुर को 6वां नंबर इसलिए मिला क्योंकि अनुराग ठाकुर ने 3 बिलों पर अपनी राय रखी। अर्हित वित्तीय संविदा द्विपक्षीय नेटिंग विधेयक 2020 पर चर्चा की, टैक्सेशन बिल पर भी चर्चा में हिस्सा लिया। साथ ही अनुराग ठाकुर ने कुल 3 बिलों पर सदन में अपनी राय रखी। कुछ यहाँ पर विपक्ष के साथियों ने पीएम केयर्स पर प्रश्न उठाने का प्रयास किया है और ये अभी नहीं, इससे पहले भी जब से इसकी स्थापना हुई उस दिन से लेकर आज तक इसका विरोध करते आ रहे हैं। लेकिन विरोध के पीछे तर्क तो हो, केवल कहने के लिए विरोध करना, जैसा ये ईवीएम खराब है चुनाव के समय विरोध करते थे लेकिन एक बार नहीं कई बार चुनाव हारे, फिर कहा जनधन खराब है, फिर कहा डिमोनेटाइजेशन खराब है, फिर कहा ट्रिपल तलाक खराब है, फिर कहा जीएसटी खराब है, फिर कहा 3 तलाक खराब है। आपको तो हर चीज में ही खराबी नजर आती है, सच्चाई ये है कि आपकी नीयत खराब है, आपकी नीयत खराब है। नीयत और सोच खराब होने के कारण आप एक अच्छे कदम को भी खराब नजरिए से देख रहे हैं। और अध्यक्ष जी पीएम केयर्स खराब क्यों है, क्या गलती है? एक नहीं कई बार आप हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट गए कई विषयों को लेकर, लेकिन अंत में उसका नतीजा क्या निकला? हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट ने हर कदम पर, हर कोर्ट ने पीएम केयर्स के हक में अपना निर्णय दिया, इनके हित में नहीं दिया है। आखिर क्या क्या चुनौतियां दी इन्होंने? इन्होंने तो इसको सेटअप करने के लिए कि आपने बनाया ही गलत है, आपने उसको चुनौती दी, सुप्रीम कोर्ट ने आपके उसको खारिज कर दिया और संवैधानिक रूप से उसको वैध बताया गया। यही नहीं सर, ये अप्रैल महीने में चले गए थे सर, मार्च में बना, अप्रैल महीने में उसके विरोध में चले गए। देश कोरोना महामारी से लड़ने के लिए तैयारी कर रहा था, प्रधानमंत्री जी कदम उठा रहे थे, लेकिन ये उस समय भी राजनीति कर रहे थे, विपक्ष का काम कर रहे थे ये। और जून 2020 में सर इन्होंने उसको कहा कि इसको आरटीआई एक्ट के रूप, आरटीआई के अंतर्गत देना चाहिए, उसको भी कोर्ट ने खारिज कर दिया, दिल्ली हाई कोर्ट ये लोग है। उसके बाद इन्होंने कहा कि सारे पैसे नेशनल डिजास्टर रिलीफ फंड में ट्रांसफर करने चाहिए, कोर्ट ने उसमें डिटेल जजमेंट दी है कि नेशनल डिजास्टर रिलीफ फंड में राज्य और केंद्र का पैसा जाता है और इस पर पीएम केयर्स फंड में कंसोलिडेटेड फंड का कोई पैसा नहीं जाता, कोई बजटरी सपोर्ट नहीं जाती, स्वैच्छिक निधि से जो लोग जनता पैसा देती है वो पैसा इसमें आता, केंद्र सरकार का कोई पैसा इसमें नहीं गया है।
हम सांसदों ने पैसा दिया होगा, गरीब से गरीब व्यक्ति ने पैसा दिया। सर मुझे दुख इस बात का होता है कि गरीब से गरीब व्यक्ति ने तो इसके इसमें अपना योगदान दिया, लेकिन कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हैं कि उनकी अच्छी सोच पर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं। पार्लियामेंट्री बिजनेस की रिसर्च में आने वाले मंत्री की चर्चा इस वक्त देश में खूब जोरों शोरों से हो रही है। कृषि बिल को लेकर किसान सड़कों पर हैं और पुतले जलाकर प्रदर्शन कर रहे हैं। जी हाँ, नरेंद्र तोमर सदन में भी चर्चा में रहे और लोकसभा स्थगित होने के बाद भी चर्चा में है। वैसे तोमर सदन में तो खूब बोले, पर अगर बोलने पर आंका जाए तो इनका नंबर कुछ और हो। नरेंद्र तोमर ने कुल 4 बिलों पर अपनी राय रखी, जिनमें कृषि उपज वाणिज्य एवं व्यापार संवर्धन एवं सुविधा विधेयक 2020, मूल्य आश्वासन पर किसान बंदोबस्ती और सुरक्षा समझौता और कृषि सेवा विधेयक 2020 शामिल है और विवाद भी इन्हीं पर है, इसलिए हमने दिया नरेंद्र तोमर को 5वां नंबर। आज प्रमुख रूप से कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सरलीकरण अध्यादेश 2020 और कृषक सशक्तिकरण और संरक्षण कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार विधेयक 2020 पर विचार करने के लिए यहाँ इकट्ठा हैं। यह विधेयक आने वाले कल में किसान के जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने वाले हैं, क्योंकि हम सब भलीभांति जानते हैं कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था में बड़ा भाग खेती का है और खेती लाभप्रद बने इस दिशा में लगातार पक्ष हो या विपक्ष हो, सभी की कोशिश और सभी का प्रयत्न होता रहता है और इस दिशा में हम लोग विचार करते रहते हैं। पिछले दिनों प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में लगातार जो कृषि के क्षेत्र में योजनाओं का सृजन हुआ है, उनका भी लाभ लगातार खेती के क्षेत्र को मिल रहा है, लेकिन कुछ कानूनी बदलाव करना निश्चित रूप से आवश्यक है। नित्यानंद राय वैसे तो नरेंद्र तोमर से ज्यादा चर्चा में नहीं रहे, लेकिन फिर भी बिलों पर चर्चा में उनसे आगे निकल आए। नित्यानंद राय ने कुल 5 बिलों पर चर्चा की, विदेशी अंशदान विनियमन विधेयक, राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी विधेयक, मिनिस्टर से सैलरी अलाउंस से जुड़े बिल पर अपनी बात रखी और चर्चा की, इसलिए पार्लियामेंट्री बिजनेस ने दिया इनको 4वां नंबर। उस समय माननीय चिदंबरम साहब ने 19 अगस्त 2010 को यह 2010 में FCRA में कानून लाए, उसके उस भाषण के वक्तव्य का 4 लाइन कि महोदय अब हम लगभग 40,000 संगमों पर कार्य कर रहे हैं, वास्तव में जुलाई 2010 तक यह संख्या 40,173 है। मेरी सबसे बड़ी समस्या यह है कि जो उन्होंने कहा कि मेरी सबसे बड़ी समस्या यह है कि जब मैंने ईरा अधिनियम की समीक्षा की तो यह देखा कि आधे संगम विदेशी अंशदान की सूचना नहीं देते हैं, वे लेखा फाइल भी नहीं करते, स्पष्ट रूप से उन्होंने कहा था। अभी जो माननीय सांसद मनीष जी बोल रहे थे कि यह अधिकारों का उल्लंघन है, 14 के अनुरूप नहीं है। सर जब हम किसी के अधिकार का हनन तब करेंगे जब उसकी हम क्रियाकलाप को रोकेंगे, लेकिन जो भी संस्थाएं काम करती है वह संस्थान अगर कानून और नियम के हिसाब से नहीं करती और अपने उद्देश्यों से भटक जाती है, उस परिस्थिति में उस पर हम नोटिस करते हैं, उनको सुनते हैं, हम उसकी जांच करते हैं, तत्पश्चात जरूरत पड़ने पर अगर कानून के हिसाब से नहीं है तो हम कार्रवाई करते हैं। इसमें उनके अधिकार का हनन कहाँ हो रहा है? और तबलीगी समाज दूसरा है, कोई नहीं होता ना जी। एक दूसरा वह कह रहे हैं आधार की बात, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुरूप ही कि अगर जरूरत पड़े तो पहचान के लिए
अगर उपयोग में हम आधार को ला रहे ताकि जो उनके डायरेक्टर्स हैं उनके विषय में हमारे पास पहचान रहे, कहाँ के हैं, उनका उस आधार के हिसाब से उनका पता क्या है, तो इसके लिए आधार का प्रावधान करने की सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आलोक में ही यह संशोधन की बात लाई गई है। अध्यक्ष महोदय, 11 में प्रिंसिपल एक्ट की धारा 16 में संशोधन प्रस्तावित है, जिसके विषय में कह रहे थे कि हम जब नवीनीकरण करते हैं तो नवीनीकरण के विषय में हम कल विशेष रूप से हम चिदंबरम साहब ही नवीकरण के विषय में जो कहे थे कि 5 वर्षों के बाद अगर हम नवीनीकरण करते हैं तो उस समय किन किन चीज़ों पर ध्यान रखना चाहिए, और उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था। और हम जब नवीनीकरण 5 साल की गतिविधियों के बारे में जांच करने का अधिकार इससे हमको मिलेगा, ताकि जब हम किसी भी संस्था का हम नवीनीकरण करें तो उसके 5 साल की गतिविधियों की अगर हम जांच नहीं करेंगे तो उनके क्रियाकलाप देश विरोधी जा रहा है, जिस उद्देश्य से पैसे आए उसमें खर्च हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसकी जांच करने में किसी को क्या आपत्ति है। ये 3 नामों ने टॉप 6 में जगह बना लिया, लेकिन टॉप 3 में नहीं आ सके। ब्यूरो रिपोर्ट, पार्लियामेंट्री बिजनेस।